नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई के स्पेशल शो मामला संगीने में स्वागत करता हूं। ठीक 8 बज चुके हैं और आज भी हम एक जनहित के मुद्दे से जुड़े हुए। लॉकडाउन की राह पर महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल नागपुर में आपको बता दें हम 9 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की दुकानों को ही चालू रखने की अनुमति दी गई है। यह महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की स्थिति हो चुकी है। अब आप समझिए, इसी तरह की पाबंदियां कड़ी होती जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। 150 के करीब ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं, जिसके कारण बीएमसी से लेकर राज्य सरकार और राज्य की जितनी भी महानगर पालिका है उनकी टेंशन बढ़ गई है। वहीं कई महानगर पालिकाओं ने अब कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। जो मास्क नहीं पहन रहे बाइक चलाते वक्त, उनसे दंड वसूला जा रहा है। लेकिन नागपुर में जो कल हुआ है, लागू हुआ है कि 9 बजे के बाद जो नाइट लॉकडाउन लगाया गया है पूरे महाराष्ट्र में 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक, उस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें चालू रहेगी। यानी सख्त लॉकडाउन की राह पर महाराष्ट्र अग्रसर है। अब लॉकडाउन और पाबंदियों का दौर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये हम डरा नहीं रहे, ये वास्तविक स्थिति बता रहे हैं आपको। नागपुर में ये लॉ लागू हो चुका है कि रात 9 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की दुकानों को चालू रखने की अनुमति दी जाएगी, बाकी सभी तरह की दुकानों को बंद किया कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, अभी तो ये एक शुरुआत है कड़ी पाबंदियों की, ये कड़े लॉकडाउन की तरफ पहली शुरुआत है। इसी तरह धीरे धीरे पाबंदियों को सख्त कर दिया जाएगा। वहीं टूरिस्ट स्पॉट जुहू चौपाटी और गिरगांव चौपाटी को भी बंद करने का प्लान कर रही है बीएमसी, क्योंकि कल आपको हमने दिखाया था किस तरह भीड़ उमड़ रही है इन बीच पर। संडे था कल, हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हुए थे। जमावबंदी के बावजूद लोग जमा हो रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का कहीं पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। भाजी मार्केट में चले जाइए 9 बजे के बाद, आसानी से भाजी आपको मिल जाएगी, लोगों की जमावट दिख रही है। तो हम इसी वजह से कह रहे हैं कि नियमों का पालन करिए, अन्यथा सरकार बढ़ रही है धीरे धीरे पाबंदियों को और कड़क करते जा रही है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है, मुंबई राजधानी है, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है, वहां आप कड़ी पाबंदी हो, लॉकडाउन बोल सकते हैं, जो सख्त लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है कि 9 बजे के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें शुरू रहेंगी। लेकिन आपको एक बात बता दे, इस फैसले से व्यापारी नाखुश है। नागपुर के व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इतने तो मामले बढ़ नहीं रहे, फिर क्यों ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि व्यापारी भी पिछले 2 साल से घाटा झेल रहे हैं, व्यापारियों को भी लॉस, अब घाटा झेलने की शक्ति बची नहीं है। जिस तरह आम आदमी परेशान है, उस तरह देश और महाराष्ट्र मुंबई का सभी जगह का व्यापारी परेशान है। सरकार से अनुरोध कर रहा है पाबंदियों को और कड़क ना किया जाए, ताकि व्यापारियों के धंधे पर चोट लगे। लेकिन 9 बजे के बाद अब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है नागपुर में, इमरजेंसी सेवाओं की दुकानों को छोड़कर। तो गारंटी है फिर से व्यापारियों को नुकसान होगा, इसी वजह से व्यापारी विरोध कर रहे हैं। देखते हैं अब सरकार व्यापारियों के विरोध को किस तरह लेती है। लेकिन व्यापारियों ने जो नागपुर में पाबंदियां, सख्त पाबंदियां लागू की गई है, उसका विरोध किया है। 9 बजे के बाद दुकानें नहीं खुल सकती नागपुर में, सिर्फ इमरजेंसी यानी दूध, मेडिकल, ऐसी ही दुकानें खुल सकती है। नाइट लॉकडाउन का तो असर मुंबई में नजर नहीं आ रहा, पालघर में नजर नहीं आ रहा, ठाणे में नजर नहीं आ रहा, पर अगर दुकानें ही बंद कर दी जाएंगी तो कोई खाने पीने के लिए निकलेगा नहीं 9 के बाद। वीकेंड्स पे तो अपने आप लोग घर पर ही रहेंगे। तो क्या महाराष्ट्र लॉकडाउन की राह पर आगे बढ़ रहा है? अभी भी जनता से हम अपील करते हैं कि नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो सरकार अब आगे बढ़ रही है सख्त लॉकडाउन की तरफ, धीरे धीरे पाबंदियों को और कड़क किया जा रहा है। फिलहाल इसकी शुरुआत नागपुर से हो चुकी है, मुंबई में भी जो भी टूरिस्ट स्पॉट है जहां भीड़ जमा होती है, वहां भी सरकार पाबंदियों को बढ़ाने का विचार कर रही है। इसके अलावा आपको हम जरूर बताएंगे मुंबई में किस तरह कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मुंबई में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है। यह वजह है कि बीएमसी भी टेंशन में है, लेकिन व्यापारियों को कड़ी पाबंदियों से परेशानी हो रही है, आम जनता परेशान है, पाबंदियां नहीं झेल सकती। आम जनता का कहना है स्कूल फीस, लाइट बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस,
कार रेंट, होम लोन, हाउस लोन, कार लोन कैसे भरेंगे अगर कमाएंगे नहीं तब। इन्हीं सभी परेशानियों की वजह से जनता चिल्ला रही है कि लॉकडाउन लगता है तो घर पे बैठेंगे, तो जनता बोल रही है पहले से हम कर्ज के तले दबे हुए हैं, अगर फिर से हम घर पर बैठ गए तो कैसे कैसे ये सब जो पैसे है जो ये बिले अदा करेंगे। हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कैसे मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़े हैं। हमारी टेक्निकल टीम से हम अनुरोध करेंगे उस ग्राफ को स्क्रीन पर दिखाया जाए हमारे दर्शकों को कि कोरोना के मामले किस तरह मुंबई में बढ़े हैं। जी देखिए, ये दिन ब दिन किस तरह उछाल हो रहा है मुंबई में कोरोना के मामलों में। पहले दिन 283, फिर 19 दिसंबर को 336, 20 दिसंबर को 204, 21 दिसंबर को 327, 22 दिसंबर को 490, 23 दिसंबर को 602, 24 दिसंबर को 683, 25 दिसंबर को 757 और 26 दिसंबर को सीधे 912। जी 250 मरीजों की लगभग उछाल, 200 से 250 मरीजों की लगभग उछाल। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई में किस तरह कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और ओमिक्रोन का भी हॉटस्पॉट मुंबई है। इस समय देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रोन के मामले इस समय मुंबई में ही है और महाराष्ट्र में ही ओमिक्रोन के करीब 150 के करीब मामले पहुंच चुके हैं। ओमिक्रोन संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 150 के पास पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर कोरोना और डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रोन वेरिएंट का भी हॉटस्पॉट महाराष्ट्र और मुंबई बन रहा है। तो मुंबईकर और महाराष्ट्र वासियों को सावधान रहने की जरूरत है, नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कड़ी पाबंदियों को लागू करने से पीछे नहीं हटेगी, जिसकी शुरुआत नागपुर में हो चुकी है। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां या हम कहें लॉकडाउन की तरफ सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सरकार 9 बजे के बाद भीड़ को टालना चाहती है और भीड़ जब टलेगी तब सारी दुकानें बंद हो जाएगी, तो कुछ मार्केट में रौनक नहीं रहेगी और रौनक नहीं रहेगी तो लोग अपने आप घरों पर लौट जाएंगे। इसी वजह से नागपुर में 9 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया गया है। अब लेकिन इसका व्यापारियों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने तो साफ हमें कह दिया है कि जिस दिन 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने लगा महाराष्ट्र में प्रतिदिन, उस दिन लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तीसरी संभावित लहर ओमिक्रोन से ही आने वाली है, ये सभी को मालूम है, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा है। 100 से ज्यादा देशों में ओमिक्रोन फैल चुका है और 1.5 लाख के करीब मरीज ओमिक्रोन के पाए जा चुके हैं पूरी दुनिया में। इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रोन के मरीज, 500 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है भारत में ओमिक्रोन मरीजों का। यह आपको हम जानकारी दे रहे हैं, 500 तक ओमिक्रोन मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन आज हम व्यापारियों की परेशानी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी जुड़ने वाले हैं, अंसार बेग जी, जो एक नेता होने के साथ साथ एक व्यापारी भी है, कपड़ों का गारमेंट्स का धंधा करते हैं। अगर पाबंदियां लागू होती है तो उन्हें किस तरह की परेशानी होगी, एक व्यापारी के मुंह से उनकी परेशानी जानेंगे। हम हमारे टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे अंसार बेग जी को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। जैसे ही अंसार बेग जी जुड़ेंगे वैसे हम उनसे बात करेंगे। अगर अंसार बेग जी जुड़ते हो तो हम उनसे बात करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन व्यापारियों में काफी नाराजगी है ऐसी पाबंदियों से कि 9 बजे के बाद धंधा बंद कर दिया जाए, सिर्फ मेडिकल दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन 9 बजे के बाद कई व्यापारी धंधा करते हैं, कई लोगों का लेट नाइट फूड बिजनेस होता है, अगर ये सब बंद हो जाएगा तो वो बेचारे क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से व्यापारी भी काफी नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लाइट बिल, दुकान का भाड़ा, जो भी उनके स्टाफ काम करते हैं उनकी पगार चुकाने में परेशानी हो रही है, और वो भी दुकान बंद होने के कारण कई महीनों का रेंट नहीं भर पाए, जिसके कारण उन पर भी बोझ हो गया है। वहीं कई व्यापारियों पर कई तरह की EMI वगैरह शुरू है, जिसको लेकर भी उनकी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार से इसी वजह से व्यापारी अनुरोध कर रहे हैं कि नागपुर में इतने मामले कहां है, क्यों इस तरह के पाबंदियां लगाई जा रही है। जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि इस तरह की पाबंदियों का मतलब क्या है, अभी तक तो इतने मामले बढ़े नहीं है नागपुर में, लेकिन सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया लॉकडाउन की तरफ। ये हम डरा नहीं रहे, जनता को हम स्पष्ट कर देते हैं कि आप सरकार की क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले पाबंदियां, फिर थोड़ी और सख्त पाबंदियां, फिर इसके बाद और सख्त कर दिया जाएगा और फिर धीरे 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 ये लॉकडाउन का रूप ले लेगा। लॉकडाउन लग सकता है ये सबको पता है, क्योंकि केस तेजी से बढ़ रहे। कल 1600 केस आए थे कोरोना के मुंबई में, हालांकि आज केस कम हुए हैं कुछ,
लेकिन 17 मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में कल कोरोना से, पिछले 24 घंटों की बात कर रहे हैं। कल 1600 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए थे, जो डरावने वाले आंकड़े हैं। 17 मौत यानी कम नहीं होती, 22 और आज 6, करीबन 30 बिल्डिंग अब तक सील हो चुकी है मुंबई में। यह सिलसिला शुरू हो गया है मुंबई में भी बिल्डिंगों का सील होने का, और केंद्र सरकार ने बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह दी है, मेडिकल स्टॉक जमा करने की सलाह दी है 1 महीने का सभी राज्य सरकारों को। इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड की क्षमता, दवाइयों का स्टॉक, ऑक्सीजन की क्षमता, सभी तरह की जो सावधानी बरती जा सकती है वो सभी तरह की सलाह केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासनों को दी है, ताकि डेल्टा वेरिएंट की दूसरी लहर के जैसे तांडव तीसरी लहर में ना देखने को मिले, क्योंकि ओमिक्रॉन से संभावित तीसरी लहर देश में आ सकती है। इसी वजह से अब कोई भी प्रशासन लापरवाही नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली बार की लापरवाही आपको मालूम है कितनी महंगी पड़ी थी आम जनता को, दर दर भटकना पड़ा था लोगों को ऑक्सीजन से लेके बेड्स के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। आप वो दिन भूले तो नहीं होंगे, सभी को याद होंगे कितने बुरे दिन गुजरे थे डेल्टा वेरिएंट के दौरान दूसरी लहर में। भारत देश के स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग चरमरा गई थी, हर हॉस्पिटल में मरीजों की बाहर लाइन संख्या लगी हुई थी, डॉक्टर परेशान इलाज करने वाले। स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर आम आदमी बिल्कुल हाशिए पर था, करे तो क्या करे, कहां जाए इलाज कराने के लिए। लेकिन ऐसी अवस्था ओमिक्रॉन में तीसरी लहर के दौरान ना आए, अभी तक तो 500 ही मरीज है। सरकार ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है, सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से डेल्टा की जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और जनता भी अब लॉकडाउन नहीं सह सकती। सरकार भी यह बात भली भांति जानती है, अगर इसके आगे अगर केसेस इसी तरह तेजी से बढ़ते रहे तो हम बता रहे कि सरकार इसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा सकती है। ये हम आपको संकेत दे रहे हैं, ये सरकार का आगे का कदम हो सकता है। हमने पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान देखा था, पहले नाइट कर्फ्यू, फिर नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सख्त पाबंदियां, फिर सख्त पाबंदियों के बाद वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन के बाद फिर लॉकडाउन, इसी तरह की योजना होती है। तो आप सावधान रहिए, नियमों का पालन करिए, और सरकार को मौका मत दीजिए कि सरकार को सख्त पाबंदियां लगानी पड़े, क्योंकि सरकार बार बार लोगों को अपील कर रही है कोरोना नियमों का पालन करिए। हम भी कह रहे हैं जनता से कि सरकार को मौका मत दीजिए केस इतने ना बढ़ जाए कि उन्हें सरकार को वीकेंड लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगे। हम कतई नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, हम जनता से अनुरोध करते हैं कि हमने हमेशा लॉकडाउन के दौरान सभी सेवाओं को वापस शुरू करवाने के लिए, आम आदमी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए जनता की हमने हमारे चैनल के माध्यम से खूब आवाज उठाई है, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को बुला बुला कर हमने उनसे अनुरोध किया है, जनता का दर्द उन तक पहुंचाया है। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि अभी कड़ी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है, और जो महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से शुरू हुआ है वहां 9 बजे के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें दूध और मेडिकल जैसी दुकानें हैं, बाकी अन्य खाने पीने की दुकानें, हार्डवेयर की शॉप, स्टेशनरी की शॉप सब बंद कर दी जाएगी, क्योंकि भीड़ को टालना है। और सरकार ने ये इंटेंसफुली ये कदम उठाया है, क्योंकि अगर दुकानें ही खुली नहीं रहेगी तो लोग खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे आपो आप ये सब कुछ बंद हो जाएगा। सरकार ने ये सोच समझ कर फैसला लिया है ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके, क्योंकि लॉकडाउन की राह पर महाराष्ट्र बढ़ते हुए नजर आ रहा है। साहब मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं, अभी तक सिर्फ कड़ी पाबंदियां नागपुर में लगी है, महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर, आप याद रख लीजिए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, हमारी मंशा चैनल की नहीं, हम तो जनता को सतर्क और सावधान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाबंदियां कहीं मुंबई में ना लग जाए। मुंबई में 9 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी दुकानें खुलने की अनुमति ना मिल जाए। व्यापारियों से, सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं मास्क पहनिए। इसी वजह से स्थानीय प्रशासन बीएमसी ने सभी मुंबई के सब्जी मार्केटों में मार्शलों को खड़े करने की बात कही है, ताकि सभी लोग मास्क पहने। और भाईखाला मार्केट में तो हम आपको बता दें, मास्क नहीं पहनने वाले ग्राहकों को भाजी नहीं दी जा रही है, ये वहां के मार्केट वालों ने फैसला लिया। ये फैसला अच्छा है कि नियमों का पालन सरकार के साथ साथ सभी समाज के वर्ग एक दूसरे को एहतियात के तौर पर कहे कि नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा ये लॉकडाउन फिर से झेलना पड़ेगा जनता को। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वाकई में लॉकडाउन लगता है या जनता खुद
इस लॉकडाउन को टालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि मामला संगीन है के शो में हम इस मुद्दे पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि पाबंदियां कैसे कैसे कहां कहां कड़ी हो रही है, और आपको हमेशा इस पाबंदियों के बारे में जागरूक करते रहेंगे ताकि आपको हम लॉकडाउन से बचा सके। हम चाहते हैं कि जनता को लॉकडाउन ना भोगना पड़े, ये मेट्रो मुंबई की पूरी कोशिश है, क्योंकि पहली दूसरी लहर में मेट्रो मुंबई ने आम जनता से ग्राउंड से जुड़कर गरीबों की समस्या को पहुंचाया है। जी, हमारे साथ अंसार जी जुड़ चुके, एक व्यापारी भी है वो नेता होने के साथ साथ। अंसार जी, सिर्फ 2 मिनट में बोलना है सर, ये कोई बहस नहीं है। अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी दुकानों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी और बाकी सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, तो आप जैसे व्यापारी लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं? ये नागपुर में शुरुआत हो चुकी है लेकिन मुंबई में अभी तक नहीं हुई है। अगर मुंबई में ऐसा होता है तो अंसार जी, आप व्यापारी लोग जो पिछले दो साल से नुकसान भोग रहे हैं, वो कैसे देखेंगे इस फैसले को? अगर इस तरह का फैसला लागू मुंबई में होता है तो अंसार जी बोलिए, सिर्फ 2 मिनट में, ये कोई बहस नहीं है, कोई आपके सामने पार्टी वाला नहीं बैठा है, आप एक व्यापारी के नाते बोलिए। देखिए राजेश भाई, सरकार जो कर रही है जनता के हित के लिए कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले गलत भी हो रहे हैं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए, व्यापारी लोग 2 साल से परेशान हैं, वो अपने कारोबार कैसे चला रहे हैं। हर व्यापारी, कोई शायद बंबई का, महाराष्ट्र का, शायद ही ऐसा होगा जो कर्जदार ना हो, उस पर तमाम दुनिया का कर्जा हो गया है। जिसका कर्जा है वो दे नहीं पा रहा है, लोग इस बात पे भी लोग दबाव डाल रहे हैं, जितना पैसा है वो मांगते हैं। तो व्यापारी के लिए तो एक मान लीजिए कि आत्महत्या जैसा करना जैसा ये आदेश है इनका, ये ठीक नहीं है सरकार का और ऐसा नहीं करना चाहिए। अंसार जी, कई व्यापारी शायद भाड़े पे भी दुकान चलाते हैं और लॉकडाउन के दौरान वो भाड़ा नहीं भर पाए हैं, उन पे भाड़े का बोझ चढ़ चुका है, वो किसी तरह इस भाड़े के बोझ को उतार रहे हैं। अगर फिर से इसी तरह की स्थिति आती है, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रही है लेकिन महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में वो शुरुआत हो चुकी है, 9 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, बाकी सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है, अगर मुंबई में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यापारी कैसे झेलेगा इस परिस्थिति को, बताइए अंसार जी। उनका देखिए, सरकार का ये तानाशाही फैसला है, हर फैसले वो अपनी ताकत के हिसाब से ले रहे हैं, जबकि इन्हें मालूम है कि 3 पहिए की सरकार है। मैं ये नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि आप व्यापारियों पर खास तौर से जुल्म कर रहे हैं और ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर व्यापारी रोड पे आ जाता है तो सरकार भी खत्म हो जाएगी, कौन पूछेगा इनको? व्यापार से ही सारे सरकारों के टैक्स आते हैं। आप बता दीजिए, जो लोग भाड़े पे है आप उनसे पूछिए, आपने कितने वादे किए थे कि हम भाड़ा फ्री कर देंगे, लाइट के बिल फ्री कर देंगे, स्कूल की फीस माफ कर देंगे, आप बता दीजिए। एक आम आदमी कैसे करेगा? एक व्यापार जो करता है उससे पूछिए ना, आप कहाँ से अपना घर चलाएगा, कहाँ से फीस भरेगा, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई कराएगा, कहाँ से घर के खर्चे चलाएगा, जब आप पाबंदियां लगा देंगे। अंसार जी, आप भी एक कपड़े के व्यापारी है सर, हमें मालूम है अंसार बेग जी, आप भी एक कपड़े के व्यापारी है साहब, आपका भी छोटा मोटा व्यापार है, कितने लोग आपके गारमेंट्स के बिजनेस में नौकरी करते हैं, आपके व्यापार के वजह से कितने लोगों का घर चलता है? अंसार जी, कितने लोगों के पिछले लॉकडाउन में ही कारखाने, उनकी दुकानें बहुत सारे बंद हो गए, हजारों में बंद हुए थे, लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपने तानाशाही वाले फैसले लाने हैं, वही करना है, और ये मैं कहूंगा बहुत गलत कर रही है सरकार। अंसार जी, हम क्लियर कर दें, ये फैसला अभी तक मुंबई में लागू नहीं हुआ है साहब, लेकिन नागपुर में ये फैसला लागू हो चुका है, लेकिन इसी तरह पाबंदियों को सख्त किया जाता है साहब, और हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बता रहे, नागपुर का उदाहरण है, नागपुर में पाबंदियों को सख्त किया गया है, मुंबई में नहीं, लेकिन मुंबई में नाइट कर्फ्यू का, पाबंदियों का पालन नहीं हो रहा है अंसार जी, तो आने वाले दिनों में यह फैसला मुंबई में भी लिया जा सकता है, यह सख्त पाबंदियों का फैसला मुंबई में प्रशासन उठा सकती है, ले सकती है। देखिए, केंद्र सरकार ने यह कहा गया है कि आप जो है 11 बजे के बाद में, अगर ऐसा है आपके सुविधा अनुसार कि आप चाहें तो कोई मरीज बढ़ रहे हैं तो